डिबल क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा होगा राइट वी ऑल लव लिसनिंग स्टोरीज राइट राइट हमें स्टोरीज सुनना बड़ा अच्छा लगता है बचपन okay. से लेकर बड़े तक तो, सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो पेंटिंग इज ऑल्सो स्टोरी माई सेल्फ एक्सप्रेशन आज अगर कोई आर्टिस्ट कहता है कि मुझे अप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं है आई डोंट नीट एप्रिशिएशन ऑल दैट आई थिंक दे आर टेलिंग ए बिग लाइफ एवरी आर्टिस्ट नीड्स वेलिडेशन एवरी आर्टिस्ट वर्थ इज

आप थोड़ा अगर इस पर बताइए uh, आपके सवाल में शायद मेरा जवाब यही मिलेगा कि आपने जैसे कहा कि आज टिकट ट्रेन टिकट इंस्पेक्टर इसका मतलब है कि मैं ट्रेन में चलता हूँ ठीक है अब जब मैं ट्रेन में जाऊँगा ऑबियसली बात है कि मैं ट्रेन तो देखता ही हूँ सो आई सी अ लॉट ऑफ ट्रेन लॉट ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म्स सो आई थिंक आफ्टर पॉइंट आई स्टार्टेड एंजिंग the trains. normally what happens when people go to a railway station, uh, they find the things uh, very boring, very mundane. but for me, as an artist, it is something uh, fit for a canvas. Uh, so i started painting. Uh, every artist is the product of the environment that he lives in. journey from a ticket inspector to a famous painter. कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में है जो आपको थोड़ा इंस्पायर किया है ये शिफ्ट करने के लिए बिकॉज अगर जब हम देखेंगे टिकट इंस्पेक्टर का लाइफ और एक पेंटर का लाइफ ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ठीक है कोई ऐसा कोई इंस्पिरेशन है कोई ऐसा कोई मेमोरी है कोई जर्नी है जो आप लोगों को बताना चाहते था 2011 की बात है 2011 थाउजेंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई ट्रेन इन ए वेरी स्लीपी रेलवे स्टेशन का भाटापारा भाटापारा इज समर नियर रायपुर इन छत्तीसगढ़ एक right. छोटा सा स्टेशन है मैं वहाँ इंतजार कर रहा था ट्रेन कई घंटे लेट थी आई वॉज वेटिंग फॉर माई ट्रेन मैं जहाँ भी जाता हूँ जब भी जाता हूँ तो मेरे पास हमेशा वाटर कलर का स्केच बुक और किट रहता ही है आई स्टार्टेड पेंटिंग स्केचिंग इट्स बेसिकली ये रफ स्केच ऑफ वॉट एवर वॉज है प्लेटफॉर्म वॉज अवाज वॉटर एंड ए कफला फिगर्स going here and there a couple of sadhus came by and a lady was sitting on the waiting chair that scene just it was so fascinating i got arrested there i sketched that particular scene and um, after a couple of days i came back home and i uh, painted it on a bigger canvas uh, it was around uh, 3 by 4 feet size canvas it was an acrylic on canvas uh, and I, that painting uh, went into to become a sensation. So that is the beginning of right. my fascination with railways, and uh, that wet platform. I, 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 entitled uh, uh, it uh, wet platform series. Right. That series became instant hit. A realism, or surrealism. In both of them, there is a very balanced equation यूजअली पेंटिंग्स में हम लोग रियलिज्म देखते हैं या सरियलिज्म देखते हैं अलग अलग बट आपके इन पेंटिंग में ना दोनों एक साथ कहीं कहीं में दिखने को मिला है ठीक है तो वो बैलेंस आप कैसे स्ट्राइक करते हो जब आप देखते हो जो चीज़ें जैसे कि मैं कोई भी जो पेंटिंग जब रियलिज्म जैसे बेसिक जो स्टार्ट मैंने किया था मैंने जो देखा दो बंदे दो आ, आ, साधु ट्रेन से उतरे और लेडीज कुछ बुन रही थी कुछ कर रही थी बैठी हुई थी तो अपने आप में वो दोनों स्टोरी हो गया तो इस तरह का स्टोरी मुझे हमेशा नहीं मिलेगा ठीक है ना मैं कभी कभी स्टोरी क्रिएट करता हूँ आउट ऑफ इमेजिनेशन और कभी कभी स्टोर ये होता है कि ये आपके अंदर में कही कहीं ना कहीं छिपा हुआ होता है कुछ ना कुछ आप कहना चाहते हो ये आपको सरियलिज्म में कहीं ना कहीं आ जाता है सबकॉन्सियस लेवल में ये ही जाती है जैसे कि सरअलिज्म की मिसाल पे जैसे आपने कहा कि ए, मैं आपने देखा होगा सर नोटिस किया होगा इवन ये जो पेंटिंग है इसमें से क्रप हो गया है अगर इस तरह जूम करेंगे कैमरा में तो देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ये लड़ी है शीज इंदिरा गांधी शीज इंदिरा गांधी और सी इज स्टैंडिंग इन कोरबा स्टेशन दिस इज़ कोरबा स्टेशन कोरबा स्टेशन में कभी कोई तालमेल नहीं कभी ना मोदी जी गए हैं ना कभी इंदिरा गांधी गए हैं लेकिन मैं मोदी जी को भी यहाँ पर खड़ा किया हूँ like. अभी मेरे लाटेस्ट पेंटिंग में वहाँ पर केजरीवाल भी दिखाई देंगे आपको राहुल गांधी भी दिखाई देंगे wow. तो दिस इज माई इमेजिनेसन ठीक है तो पहला जैसे सरे अली की बात करें तो मैंने बनाया था दो में आ, मोदी जी का मैंने बनाया था वो इसलिए बनाया था क्योंकि मोदी जी ने हमारी तारीफ करी थी मन की बात में आ, तो आ, आ, वो पेंटिंग में मैंने इसलिए किया कि मोदी जी इज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ वन हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉपुलेशन एंड इज इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं सो so मैनी पीपुल कितने लोगों के बीच में उन्होंने उनकी टीम मेरी जैसे एक नाचीज को उन्हें नोटिस किया एक हम्बल रेलवे एम्प्लॉई काम करते हैं करने के साथ साथ में अपने जुनून को मैंने एक्सप्रेस किया कैनवास की वजह से जो कि सोशल मीडिया में उन्होंने नोटिस किया ये पेंटिंग को और उन्होंने ये भी कहा कि विजय बिस्वाल जो रेलवे में जॉब करते हैं और वो चाहते तो कहीं और जाके पेंटिंग कर सकते थे ये उनके वर्ड्स हैं मैं ना. थोड़ी सी पाराफ्रेस कर रहा हूँ प्रबाबले उनका यही शब्द था विजय बिस्वाल चाहते तो कहीं और जाके पेंटिंग कर सकते थे लेकिन उन्होंने रेलवे को अपना आराध्य माना आपके पेंटिंग्स में रेन बारिश का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है करेक्ट ठीक है वाई इज दैट एक मैं नागपुर में रहता हूँ hmm. लेकिन इंडिया इज बेसिकली हॉट कंट्री हॉट एंड डस्टी कंट्री राइट ठीक है जब पहली बारिश आती है और जब अर्थ में वो टच करता है द फर्स्ट टच ऑफ द रेन ड्रफ्स ओन द पार्थ अर्थ एंड द काइंड ऑफ यू नो रोमेल डॉट कॉम्स तो वो जो है ना बारिश की जो भी खुच मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात है पानी इसलिए पसंद है कि जब प्लेटफॉर्म गीला हो जाता है बारिश के बाद तो उसमें मुझे क्रिएटिविटी का मुझे दूसरा आयाम मिलता है ठीक है जब एक ट्री है आम का ट्री तो जस्ट जस्ट एक ट्री जब बारिश होती है दो ट्री बनते हैं दो एक कपल जाती है तो एक ही कपल है जब बारिश हो जाती है दो कपल होते हैं एक कपल एव द अर्थ कपल बिलो द अर्थ राइट तो वो जो कपल को उनको तो करने में तो मजा आता ही है लेकिन उसमें जो रिफ्लेक्शन है सरफेस इज ऑलमोस्ट लाइक राइट एंड इज मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट बिल्डिंग से ज्यादा मेरे लोगों के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान रहे बिल्कुल मैं बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता हूँ लोग कैसे जाते हैं किस तरह का कैरी करते हैं चीज़ों को द वे द इम्प्रोवाइज वाइल कैरिंग दैटॉफ इट ओनली हैपन्स इन इंडिया यू नो मैं जब बाहर कंट्री मुझे इनवाइट इनविटेशन आता है जाने के लिए मैं को रिक्वेस्ट करता हूँ ऑर्गेनाइजर उसको प्लीज़ अगर इन सिटीज़ में अगर कुछ कर रहे हैं अगर इस्तानबुल से मैं अलान्या जा रहा हूँ तो मेरे लिए फ्लाइट का व्यवस्था मत करिए मेरे लिए ट्रेन का व्यवस्था करिए वाह wow. तो मैं ट्रेन में जर्नी करना चाहता हूँ मैं गया हूँ लेकिन मुझे वो मजा नहीं आता जितना बोलते इंडियन प्लेटफॉर्म में मिलती है जब इंडियन प्लेटफॉर्म जाता हूँ उसमें खूबसूरत लेडीज साड़ी में जाते हैं एक लड़कियाँ जो है दुपट्टा और चूड़ीदार कमीज में जाते हैं दुपट्टा लहराते हुए उसकी एक अलग ब्यूटी होती है जो इट्स ए ब्लास्ट ऑफ कलर एंड टेक्सचर यू नो और सबसे बड़ी बात है उनका जो बड़ी लाइंग मैंने कहा कि दो फिगर दो वुमेन एक मदर एंड टाटर दे आर कैरिंग वन लगेज ऑन ट्वाइन शेयरिंग बेसिस वन होल्डिंग वन स्ट्रैप ऑफ द लगेज

लाइक आप लाइक आप जैसे ग्रो कर रहे थे सोशल मीडिया सडनली केम इं टू योर पिक्चर हाउ दैट इज इवॉल्व यू एज अ पेंटर बिकॉज यू हैव कम टू नो योर ऑडियंस मच बेटर आपके ऑडियंस को अपने जाना है थ्रू सोशल मीडिया क्योंकि मुझे लगता है कि पता है लोगों ने सोशल मीडिया का न्यू एज जो है जे जी जो है वो सोशल मीडिया को ले रहे हैं मिलेनियम्स भी ले रहे हैं ठीक है बट एज अ पेंटर लाइक आपने दो मतलब यू हैव सीन द टू वर्ल्ड्स बिफोर सोशल मीडिया नाउ वट इज लाइक इट इज़ दाइक कस्प ऑफ सोशल मीडिया एंड इज ग्रोइंग right. bigger massive so way. how do you adapt to this and how are you taking it ahead like wonderful though, incredible hmm. questions questions uh, answer for lamba hoga uske liye taiyar hote rehna bilkul well, cool, sir jab hum uh, pre internet mein jo bhi painting karta tha basically every artist is a sucker for prices right उनको लगता है कि थोड़ा बहुत appreciation मिले हमें आईवल चाहिए होता है वे आर मेकिंग ए पेंटिंग वे आर टू शो इट टू द वर्ल्ड अगर कोई आर्टिस्ट कहता है कि मुझे अप्रिसिएसन की आवश्यकता नहीं है आई डोंट नेट अप्रिसिएशन ऑल दैट देन आई थिंक दे आर टेलिंग लाइफ आर टेलिंग ए बिग लाइफ एवरी आर्टिस्ट नीड्स वैलिडेशन एवरी आर्टिस्ट वर्थ इज पेंट नीड्स दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम द पब्लिक इन जनरल बट वो संभव नहीं था आप सोचिए मैं पेंटिंग करता था बहुत खूबसूरत होता मुझे पता है कि इट्स तो, माइंड ब्लोइंग बट दिखाने के लिए कोई थे ही नहीं जो लिमिटेड मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल थे फ्रेंड्स और फैमिली से आप हमेशा वैलिडेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो ना तो दोस्ट इंटरनेट जो right. कि आपका 2000 के बाद धीरे धीरे right. चालू हुआ राइट right. एंड हमें तो आई बल की जरूरत थी और आई टू सोशल मीडिया लाइक ए डॉग टू वाटर एक डॉग जैसे पानी में जैसे एकदम <laughs> खुल जाता है ना राइट इट्स लाइक दैट फॉर मी वाओ सो बिफोर दैट वॉट यूज टू बी द गैलरी वॉल नाउ फेसबुक बी माय गैलरी राइट पेंटिंग्स आई लव इट्स ए ऑस्ट्रेलिया बेस्ट वेबसाइट फाइन आर्ट अमेरिका दीज आर दू ऑनलाइन गैलरीज आई यूज टू पोस्ट रेगुलरली एंड वॉज एनकरेजिंग एंड एमेजिंग माइंड ब्लोन जितने भी वेस्टर्न ऑडियंस थे दो पागल हो गए एंड लॉट ऑफ पीपल यूट बिलीव माई फास्ट पेंटिंग आई शोल्ड इन ईयर टू थाउजेंड नाइन और एट बिलीव आर टे बिग प्राइज फ्रॉम चिकागो फॉर दैट पेंटिंग इसीलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया लोग बोलते हैं कि कमर्शियल फाइन आर्टिस्ट एवरीथिंग आप मुझे एक चीज बताओ सर आप पेंटिंग आप खुद के लिए करते हो या पेंटिंग आप जनता के लिए करते हो मैं तो कहूँगा मैं खुद के लिए पेंटिंग करता हूँ मैं hmm. सेल्फी सिन दैट हुए मैं अपने लिए मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए पेंटिंग को मैं hmm. कभी इवन राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वर्किंग फॉर इंडियन रेलवे तो इसलिए मुझे वो रेलवे में रहना मेरे लिए कितना कितना हेल्प किया जरा सोचो बिकॉज आई हैव टू बदर आई विल बी पुटिंग फूड ऑन टेबल यू मेरा चूल्हा तो चल रहा है ना रेलवे से पैसा मुझे मिल रहा है महीना के अंत में तो मुझे टेंशन नहीं था तो मैं कभी इस तरह का पेंटिंग नहीं किया जो लोगों को खुश कर सके मेरे पास कई अर्डर आते थे मेरे दादाजी मर गए उनका पोर्ट्रेट बना दो नो आई वॉन्टेड टू पेंट ओनली माई ऑफ पेंटिंग आई वेरी दैट वे तो वो जो क्रिएटिविटी वो फ्रीडम मुझे मिला hmm. और चूंकिटली डॉट मैं कई सारे मिस्टेक्स मैं मिस्टेक करके एक अच्छा चीज सीखा हूं hmm. तो इस तरह का कितने हजार कितना मिलियन मिस्टेक क्या हूँ कितने अच्छे अच्छे चीजें मैंने सीखा हूँ इसीलिए मेरी पेंटिंग हमेशा यूनिक होता है क्योंकि wow. मैं कोई एक सेट पैटर्न में नहीं ऑफ टेक्निक दैट इज एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग बैक to One of the question, like you know, since you have seen pre-internet and post-internet, and you have been ruling that field. So you know, AI is a huge thing in the market right now. Everywhere, everywhere AI art. It's like it's flooded in LinkedIn up below, social media, Facebook up below, Instagram, everywhere like people are flooded, like people are flooding with AI generated art. Which is actually called uh, generative art. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट बिकॉज उसके लिए अगर एक बंदा थोड़ा प्रॉम्प्ट सीख लेता है जो कि एगेन ए से जेनरेट हो सकता है जो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन से हो जाता है लेकिन जो आर्ट वर्क बाहर निकल के आ रहे हैं दैट इज़ माइंड ब्लोइंग ठीक है तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट हाउ विल इट इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ आर्ट ग्लोबली जब uh... डिजिटल आर्ट आया था इस तरह का इनसिक्योरिटी आर्टिस्ट के महल में खेल गया था कि अब डिजिटल hmm. आर्ट आ गया कंप्यूटर में आर्ट बना लेते हैं तो हमारी क्या आवश्यकता है दे कैन पेंट लाइक ऑयल पेंटर्स दे कैन स्केच लाइक ए पेंसिल आर्टिस्ट एंड इवन दैट दैट एप्लीकेशन आई थिंक इट्स प्रो और समथिंग लाइक दैट इन फोटोशॉप फोटोशॉप समथिंग समझे द फियर इज़ देयर ऑफ कोर्स जैसे कि अभी एआई के बाद ये तो इट हैज़ टेकन टू ए एनअर लेवल ऑल टुगेदर ठीक है

लाइक like, आपने अभी जैसे बोले कि आर्ट फील्ड पे टाइम लगता है पेशेंस लगता है तो डू यू सजेस्ट कि दे डू समथिंग एल्स विच गिव्स देम मनी एंड इस पैशन को कंटिन्यू करें या इसको ही एज अ करियर ले सकते हैं आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड विथ योर क्वेश्चन वेरी नाइस वेल डन इनफैक्ट इट इज़ वेरी वेरी ट्रू कि अगर आप क्योंकि मेरे लिए तो आर्टिस्ट इफ़ यू टेक माई केस इट हेल्प मी कि मेरे पास कोई बैकअप था

तो आर्ट एक बहुत खूबसूरत साधना है और इसमें आपको आ, ना केवल नाम शहरत है पैसा भी है लेकिन टाइम लगेगा तो इसलिए बी पेशेंट और आ, डेफिनेटली इनकम का सोर्स को आप रखिए क्योंकि मैं जानता हूँ भूखे पेट आ, पेंटिंग नहीं किया जाता मैं हमेशा कहता हूँ कोई बंदा भूखा है घर में उसका बच्चा खाने के लिए रो रहा है और तब वो पेंटिंग करेगा नहीं हो पाएगा तो फाइनेंशियल एक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए आर्टिस्ट को फिर उसका जो क्रिएटिविटी का जो तो फ्लो है वो ज्यादा बनता है